हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों एक जानकारी प्रदान करेंगे आपको हिंदी में एंजियोजम सीडी 180 एमजे कैप्सूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि एंजियोजम सीडी 180 एमजे कैप्सूल के आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी पैकिंग है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसमें सॉल्ट्स डाले गए हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। तो दोस्तों, एंजियोजम सीडी 180 एमजे कैप्सूल जो है, इसको बनाया जाता है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी द्वारा। सॉल्ट्स की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें सॉल्ट डाला गया है डिलीटाजेम हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 180 एमजे के रूप में इस कैप्सूल में डाला गया है। ओके, अब अगर दोस्तों प्राइस और पैकिंग की बात की जाए तो दोस्तों, इसकी पैकिंग जो है 10 कैप्सूल की पैकिंग का एक स्ट्रिप जो है, उसका प्राइस है लगभग 280 रुपये के करीब। वाह। फ़ायदों और उपयोग की बात की जाए तो दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को इलाज करने के लिए, एंजाइना का इलाज करने के लिए। एंजाइना का मतलब होता है दोस्तों, जो दिल से संबंधित जो सीने में हमारे दर्द पैदा होता है उसका इलाज करने के लिए, और अतलता का इलाज करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अतलता का मीनिंग मैं आपको बता दूँ कि अतलता का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कि जो अनियमित जो दिल की धड़कन जो है हमारी बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। ओके, तो मैं आपको विस्तार में जानकारी देता हूँ पहले कि हाई ब्लड प्रेशर में कैसे उपयोगी है एंजियोजम सीडी 180 एमजे कैप्सूल। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि एंजियोजम सीडी 180 एमजे कैप्सूल जो है रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करके काम करता है, ताकि आपके शरीर में रक्त जो है अधिक आसानी से बह सके। यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है और भविष्य में स्ट्रोक, हार्ट अटैक या किडनी में समस्याएं होने के जोखिम को भी कम करता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों एंजाइना। अब एंजाइना का मतलब है कि दिल से संबंधित जो सीने में दर्द, उसमें कैसे उपयोगी है ये कैप्सूल। तो दोस्तों, एंजियोजम सीडी 180 एमजे कैप्सूल जो है, दिल से संबंधित सीने में दर्द का इलाज करने और भविष्य में इसकी रोकथाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। हालांकि इसका इस्तेमाल एंजाइना के तीव्र अटैक के लिए नहीं किया जाता। अब यह हृदय में रक्त वाहिकाओं को आराम और चौड़ी करके काम करता है, इससे क्या रक्त को हृदय तक प्रभावित करना आसान हो जाता है, इसलिए इसे दोस्तों अधिक ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है दोस्तों अतलता का उपचार। अब दोस्तों, एंजियोजम सीडी 180 एमजी कैप्सूल जो है, इसका उपयोग असामान्य हृदय ताल के इलाज के लिए भी किया जाता है। तो यह असामान्य लय को होने से रोकने में मदद कर सकता है या इसे पहले स्थान पर होने से भी रोक सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजियोजम सीडी 180 एमजी कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, साइड इफेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो कुछ 2-3 कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सूजन, चक्कर आना, जी मचलना और सर दर्द। अब ज़्यादातर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती है, और जैसे ही आपका शरीर दवा के हिसाब से जब ढल जाता है तो साइड इफेक्ट्स भी धीरे धीरे आपकी बॉडी से समाप्त हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक आपकी बॉडी में बने रहें, आपको लंबे समय तक परेशान करने लगे, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं कि एंजियोजम सीडी 180 एमजे कैप्सूल जो है, ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों, क्या है कि ये कैप्सूल का इसका उपयोग जो है एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर और कुछ प्रकार के अनियमित जो हृदय धड़कनों जो होती है उसका इलाज करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, कैल्शियम चैनल अवरोधक के रूप में इसे जाना जाता है इस कैप्सूल को। यह ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रक्त वाहिकाओं को आराम देकर काम करता है। यह दिल के कार्यभार को कम करने में भी काफ़ी मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये कैप्सूल हमारी बॉडी पे काम करता है एंजियोजम सीडी 180 एमजी। ओके, तो ये थी जानकारी दोस्तों इस कैप्सूल के बारे में। अगर आपको जानकारी इसलिए हिंदी भाषा में समझ आ चुकी तो आप वीडियो को जो है जरूर लाइक कीजिए और चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं और नई ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद और जय भारत। ओके।